राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है ज्वार सैनी इस समय हमारे साथ जींद से मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे रैली को लेकर के, क्या कुछ तैयारियां चली हुई हैं? एक बार कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार दिखाएं किस तरह की जो व्यवस्था में लगे हुए हैं ज्वार सैनी। सर, तैयारियों को लेकर के क्या कहेंगे? सर देखिए, आपके सामने पूरा पंडाल जज चुका है जी, और एकदम ताकि कोई मौसम में भी गड़बड़ हो इसको भी ध्यान में रख करके वाटरप्रूफ स्टेज और वाटरप्रूफ ही हमने पंडाल बनाया है जी। और हेलीपैड की भी ऐसी व्यवस्था की है कि वहाँ बरसात के कारण कोई दिक्कत ना आए। बिल्कुल, आने वाले लोगों को यहाँ आने पर किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि जिस प्रकार से अमित शाह जी के जींद आने का लोगों में उत्साह है, हरियाणा भर से हमें फ़ोन आ रहे हैं कि जितने साधन की हमने पार्किंग की व्यवस्था की थी हम अब वो बढ़ा रहे हैं। हमें जो लग रहा था कि जो हमने अनुमानित व्यवस्था की थी, हमें लगता है कि इससे 2 से 3 गुना लोग ज़्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे हमने भी एक बार कैमरामैन को कहूँगा कि व्यवस्था को दिखाएं, जो कुर्सियाँ लगी हुई हैं, अमित शाह आ रहे हैं सर, गृहमंत्री है, धारा 370 भी तोड़ दी गई है, उनकी भी फैन फॉलोइंग भारत के अंदर काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं, बाकी की जो भीड़ आएगी, फैन फॉलोइंग आएंगी, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था? सर इसमें तो शायद नहीं आ पाएंगे। आप देखिए, अभी आपने जो कुर्सियाँ लग रही हैं, आपने ट्रक भी खड़ा दिखाई देगा अगर आप कैमरा घुमा करके देखेंगे तो, अभी कुर्सियाँ आ रही हैं और अभी पीछे कुर्सियां लगा रहे हैं, ढेर के ढेर लगे हैं जी जी। उसके बाद जो आप स्टेडियम में बैठने वाले दर्शकों की आप ये 4 पैड़ियां देखेंगे, ये पूरे स्टेडियम में ये पैड़ी हैं। अगर आप पेविलियन की तरफ भी कैमरा कर करके देखेंगे तो पेविलियन में भी 5,000 से 6,000 लोगों की क्षमता उसके अंदर है जी। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मैक्सिमम लोगों को होगा। और उसके अलावा हम फिर बाहर LED का इंतजाम भी कर रहे हैं कि जो लोग बाहर रह जाएंगे, स्टेडियम में नहीं आ पाएंगे, तो आने पर उनको ऐसा नहीं लगेगा कि हम कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, इसलिए उनके लिए LED का भी बिल्कुल किया। अच्छा सर, रंगोलियों की तैयारियाँ भी चल रही हैं, किस तरह की रंगोलियाँ यहाँ रहेंगी? अब कश्मीर की पहाड़ियाँ रहेंगी या राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना तिरंगा रहेगा या भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई निशान रहेगा, क्या रहेगा सर रंगोलियों में? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इतने सारे काम किए हैं, इतने सारे आंदोलन दिए हैं, एक तरह से कोई भी चीज़ का नाम ले दिया, सफाई अभियान, बच्चे का एक तरह से मुहारा हो गया, एक तरह से उनका टारगेट हो गया कि हमने सफाई रखना है, और दूसरा किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता का, और उस तरह से उन्होंने जिस चीज़ को लिया। हमारा बचपन से ही बीजेपी में नारा था कि धारा 370 हटाओ, और हमारा कमल का फूल जो हमें हमेशा ही लगता है कि हमारे दिल का सबसे करीब है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इस पर हो सकती है। हमने अपनी टीम की ड्यूटी लगाई है, ये 5, 7, 6 ऑप्शन पर इस पर चर्चा करें और जो इनको दिल के नज़दीक लगेगा वो हम बनाने जा रहे हैं। चलिए सर, आज के दिन क्या संदेश देंगे, क्योंकि आज 15 अगस्त भी है, एक राष्ट्रीय पर्व है और रक्षाबंधन भी है, भाई बहन का जो प्रेम एक भावना होती है वह त्यौहार है, देशवासियों को भी और तमाम भाई बहनों को आज के इस पावन त्यौहार पर क्या संदेश देंगे ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से? मैं तो ये कहूँगा कि आज़ादी का ये 73वां स्वतंत्रता दिवस देश ने आज मनाया है, और ये धारा 370 टूटने के बाद पहला स्वतंत्रता दिवस आया, और उसी दिन हमारी बहनों का जो सबसे प्रिय त्यौहार है रक्षाबंधन वो भी उसी दिन आया, और कल ही हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, तो आज के दिन तो हमारे हरियाणा के लोगों के दिल में स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, अमित जी का आना, एक तरह से एकदम खुशियों भरा, जैसे सारे त्यौहार आज ही आ गए हैं और पूरा हरियाणा उत्साह में है, हम सब उत्साह में। बिल्कुल। चलिए, तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं ज्वार सैनी। तो तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ। तब तक ग्राउंड मीडिया के लिए जींद से मैं जब भारद्वाज, राज सैनी भी इस समय हमारे साथ मौजूद है और कृष्ण रोहिला भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं रैली को लेकर के, किस तरह का संदेश है, क्या कुछ आपकी ड्यूटी लगी है और क्या कहना चाहेंगे? हर कार्यकर्ता की इसमें ड्यूटी लगी है जी, कार्यकर्ताओं में जोश है, तो हर कार्यकर्ता जो ना अपनी ड्यूटी पे पाबंद है, पूरी जिम्मेवारी निभा रहा है, उस जिम्मेवारी के नाते ही हम यहाँ बैठे हैं, तो दिन रात एक ही हुआ है और बहुत ही ज़्यादा जोश है, पब्लिक में जोश है, कार्यकर्ताओं में जोश है,
चलिए बिल्कुल। हाँ जी रोहिला साहब, क्या कहना चाहेंगे तैयारियों को लेकर के, किस तरह की ड्यूटी लगी है आपकी भी और भारतीय जनता पार्टी जहाँ जो ड्यूटी लगाती है, क्या लगता है आपको व्यवस्थाएं वो बनी हुई हैं? बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने निष्ठा से अपनी जो ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं उसको बिल्कुल निरंतर कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और अमित शाह जी को सुनने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं के साथ साथ पब्लिक में भी काफ़ी उत्साह है और देखने के लिए काफ़ी अच्छी रैली होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और व्यवस्थाएं एकदम फिट हैं, कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल।